फ्रेंड्स, न्यूस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन। मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश और दुनिया की बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो आइए देखते हैं न्यूस्कोप के इस बुलेटिन में आपके लिए क्या है खास। फरवरी 2024 में एक्टर इमरान हाशमी ने अपने उत्साह को साझा करते हुए अनाउंसमेंट पोस्टर के साथ फैंस का मनोरंजन किया। एक्टर ने प्रेस नोट में कहा, G2 के कलाकारों में शामिल होना वास्तव में रोमांचक है। स्क्रिप्ट काफी इंटरेस्टिंग है और मैं इस स्पाई थ्रिलर का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड हूँ। हैदराबाद में इस फिल्म के लिए एक्शन सीन करते समय इमरान हाशमी घायल हो गए थे। इमरान ने अभी तक चोट के बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके बिजनेस एसोसिएट सनी खन्ना ने बताया कि एक्टर के गर्दन पर गहरा घाव है, लेकिन जल्द ही इमरान के मुंबई लौटने की उम्मीद है। G2 के प्रोड्यूसर TG विश्व प्रसाद ने कहा, इमरान हाशमी के फिल्म में शामिल होने से फिल्म के हिट होने की संभावना बढ़ गई है। उनका टैलेंट इस परियोजना के लिए हमारे नजरिए से पूरी तरह मेल खाता है। फैंस पहले कभी नहीं देखी गई सिनेमा तमाशे की उम्मीद कर सकते हैं। ये फिल्म अदिबी शेष की ब्लॉकबस्टर हिट तेलुगु फिल्म गुड़ाचारी का सीक्वल है, जिसमें शोभिता धुलेपाला और जगपति बाबू भी मुख्य भूमिकाओं में थे। साल 2023 रणबीर कपूर के लिए काफी धमाकेदार साबित हुआ, क्योंकि उनकी दो फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दोनों ही जबरदस्त हिट रही। इस लिस्ट में पहली है तू झूठी मैं मक्कार और दूसरी फिल्म एनिमल है। फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं रणबीर कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसमें धूम 4, रामायण और लव एंड वॉर जैसी मूवीज शामिल हैं, बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का दम रखती हैं और ये फिल्में बाहुबली और RRR जैसी मूवीज का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। ऑटो एक्सपो ने हमेशा भारत के कार प्रोड्यूसर्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया है, जहां ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ तैयार मॉडल्स का प्रदर्शन करते हैं जो प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। आगामी 2025 ऑटो एक्सपो में EVs, कॉम्पैक्ट SUVs और हाइब्रिड गाड़ियों के साथ साथ 7-सीटर SUVs समेत कई प्रकार के नए उत्पादों का प्रदर्शन होगा। बॉलीवुड एक्टर और शिवसेना लीडर गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा और बेटी टीना आहूजा ने बयान जारी कर फैंस को चिंता ना करने को कहा। वहीं अब दूल्हे राजा अभिनेता का इलाज करने वाले डॉक्टर रमेश अग्रवाल के अनुसार बाएं घुटने के नीचे गोली लगने के बाद अभिनेता को 8 से 10 टांके लगे हैं। PTI की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनावश गोली लगने की घटना में लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने घटना की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। हीरो मोटोकॉर्प लाने वाला है 5 नई बाइक्स और स्कूटर्स। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी बाजार के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा करने से पीछे नहीं हटती है। आने वाले 12 से 18 महीनों में लॉन्च होने वाले 5 कंफर्म मॉडल्स के साथ हीरो मोटोकॉर्प इस बार बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। अभिषेक बच्चन की दूसरी शादी को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। इस बार जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन अभिषेक की शादी को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के ट्रेंड करने के बाद से बी टाउन में सेंसेशन फैली है, लेकिन आपको बता दें ये वीडियो साल 2002 का है, जिसे किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है और ये देखते ही देखते वायरल हो गया। पूरी दुनिया के लोगों का एक बड़ा अट्रैक्शन है, जिसे कहते हैं दुबई ग्लोबल विलेज। इस बार 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार इस मेले का 28वां सीजन है, जिसमें दुनिया भर के लोग अपने ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव आइटम्स और मनोरंजन का शोकेस करते हैं। दुबई की शेख जादा रोड पर यह मेला हर साल लगता है। यहाँ की वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव होती है। ये मेला 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 194 दिनों तक चलेगा, यानी 28 अप्रैल 2025 में खत्म होगा। सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है, UAE के लोग भारत में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए भारत सरकार दुबई में इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोलने जा रही है। पीयूष गोयल ने भारत और UAE 12th हाई लेवल मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने ये भी बताया कि UAE और भारत बिजनेस रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए IIFT का ऑफिस भी दुबई में खोला जाएगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट UAE में रहने वाले 35 लाख लोगों को होगा। बिग बॉस के घर में दूसरे ही दिन हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली BJP के सो कॉल्ड नेता तजिंदर सिंह बग्गा और अक्सर कंट्रोवर्सी में रहने वाले रजत दलाल के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि तजिंदर सिंह बग्गा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे गलत कहा जाए, लेकिन रजत ने वही किया जिसके लिए वो फेमस है। अपना आपा खोया और तजिंदर बग्गा को मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, रजत दलाल ने तजिंदर बग्गा को गाली भी दी।
तो दोस्तों ये था न्यूज स्कूप का स्पेशल बुलेटिन, मुझे इजाजत दीजिए। बाकी देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्कूप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।